हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज है नवरात्र का सातवां दिन, यानी कि माँ कालरात्रि का दिन, और सुबह की पूजा हो चुकी है। चाय भी पी चुकी हूँ मैं। और अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। एक्चुअली झाड़ू पोंछा वगैरह ये सब कुछ हो गया था मॉर्निंग में ही, बट क्योंकि ना मुझे बेड पे थोड़ा सा डस्ट दिख रहा था तो मैंने कहा फिर इसको साफ कर दूँ, क्योंकि दो तीन दिन से ना मैं देख रही हूँ बट कभी किसी काम में लग जाती हूँ तो भूल जाती हूँ साफ़ करना, तो मैंने कहा उसको क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ नीचे ना जिन्होंने कुकीज़ गिरा दी थी, कुकीज़ खा रही थी और खाते खाते आधी खाई उसने, आधी सारी फैला दी। बच्चे करते हैं ना ऐसा, खाते कम है और फैलाते ज़्यादा हैं, तो वही इसका हाल है। खाती कम है और पूरा बेड वेड सब गंदा कर देती है, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ, उनका कपड़े से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि खाने पीने की चीज़ है। और बस एक बार लग जाओ ना डस्टिंग करने में तो फिर ऐसा लगता है ये भी साफ़ कर दो, ये भी साफ़ कर दो। तो मुझे मिरर भी थोड़े जीनों ने हाथ लगे हुए दिख रहे थे मुझे, धब्बे वब्बे, तो मैंने कहा इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और साइड में फिर कोलाज भी दिख गया, हल्की सी डस्ट हो रखी थी उनके फ़ोटोज़ के ऊपर, तो उन पर भी मैंने हल्का हल्का सा कपड़ा मार दिया। और यार ये कपड़े जो हैं ये कल के कपड़े एक्चुअली धुले हुए, जो मैंने रख नहीं पाए हैं और ऐसे रखे हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं है तो मेरे ही, बट इनको रख ही नहीं पा रही थी, ऐसे रखे हुए थे, तो बस इनको तय वह बना के फोल्ड करके अलमीरा में रख रही हूँ। और ये मैंने जो लुक लिया था ना, ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था तो उसकी वजह से इतना मेकअप शेकअप कर रखा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा तो मैं ऐसे भी करती नहीं हूँ। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज जो दिन है वो सातवां नवरात्र है, यानी माता कालरात्रि का दिन है आज, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो ब्लैक डाल लिया है। और आप सभी को सातवें नवरात्रि की हार्दिक बधाई। और कल आठवां हो जाएगा, फिर नौवीं, परसों नौवीं है, परसों कन्या खिलाई जाएंगी। तो आप लोग कब कन्या खिलाते हो, अष्टमी को या नौवीं को, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि जो मेरा आज का लुक है ये कैसा लग रहा है। मैंने यार शॉर्ट वीडियो बनाई थी अभी, तो मैं रेडी हुई थी तो मैं सोचा कि ना ब्लॉग भी बनाई लेती हूँ अभी, तो इसलिए मैं स्टार्ट हो गई हूँ। और काम हो गया सब कुछ ख़त्म, और कल ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि कल जो है मेरी कमर में ना बहुत दर्द हो रहा था, बैक में पता नहीं क्यों यार पेन हो रहा था कल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कुछ नहीं किया मैंने। और जीनू मैडम पार्टी भी देख रही है, जीनू के सोने का टाइम हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको सुलाऊंगी मैं। कपड़े रखे थे यार कल के, मैंने कहा कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। आप लोगों की पूजा कैसी चल रही है नवरात्रि की? आई नो सबकी अच्छी चल रही होगी, और नवरात्रों का भी एंड आ गया, परसों नवरात्रि एंड हो जाएंगे, फिर करवा चौथ आएगा। तो करवा चौथ की अभी यार कुछ तैयारी नहीं करी है, तो देखती हूँ क्या क्या साड़ी तो है मेरे पास रखी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ मैं। कोरी साड़ी है, बिल्कुल पहनी नहीं है मैंने, तो उसको पहन लूँगी। कलर तो खैर रेड नहीं है, बट कोई नहीं, रेड दुपट्टा हो जाएगा उसके ऊपर से। और बाकी सामान जो है चूड़ी वूड़ी वो सब लेके आनी पड़ेंगी, बिछिए वगैरह देखती हूँ क्योंकि नई बिछिए डालते हैं करवा चौथ पे, तो वो सब तैयारी जो है वो करूँगी बाद में, पहले ये नवरात्र पूरे ख़त्म हो जाएँ, दशहरा हो जाए, उसके बाद फिर करवा चौथ की तैयारी करते हैं, और वो फिर मैं आप लोगों का शेयर करूँगी। और यार ये बैंड मिल गया आज, काफ़ी टाइम बाद बैंड मिला, ये नीचे रखा था एक्चुअली, जीनू ले जाते हैं तो जीनू ने मम्मी के पास छोड़ दिया था तो वहीं पड़ा हुआ था, तो कल मम्मी ने मुझे दिया ला के, तो मैंने डार पहन लिया वरना भूल ही जाती हूँ ऐसे। देखो जीनू की चल रही है टीवी, हस्बैंड का चल रहा है ब्रेक। जीनू क्या देख रहा है? जीनू को निन्नू आ रही है। उई, फोन क्यों फेंक रहे हो? अच्छा हट जाऊँ, अच्छा चलो अंदर चलो, जीनू को निन्नू कराएंगे, मैं कुछ खा लेती हूँ पहले। तो यार ये देखो, ये कल पेठा लेके आए थे, तो अभी मैं सोच रही हूँ पेठा खा लेती हूँ, और पेठा खा के पानी पी लेती हूँ। और मेरा छोटा वाला ट्राईपॉड भी यहीं किचन में रखा रहता है क्योंकि इसका यूज नहीं हो जाता है इसलिए। तो आप खाओगे? नहीं खाओगे? पापा को खिला दूँ? नहीं, मैं तो जीनू को खिलाऊँगा।
पापा को खिला दो, पापा की चिंता रहती है उसे। लो थैंक यू जीनू। जीनू मम्मा कैसी लग रही है? ऐसा कर रही है जीनू ऐसे। और शाम का टाइम यानी कि मेरी चाय का टाइम, तो यहाँ बन रही चाय, वही अदरक वगैरह निकाल लेती हूँ। और चाय तो बन रही है फिलहाल किचन में, तो मैंने कहा इतने देर में ना कपड़े कपड़े उतार के रख देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा काम निपट जाता है ना, तो यार तसल्ली रहती है। क्योंकि जितने मैं चाय वाय पियेंगी ना, अब तो छः तो ऐसे बज ही जाते हैं लगे लगे, तो फिर नीचे जाके फिर मुझे खाना पीना भी देखना है, तो इसलिए थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना होता, जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो यार आज ना कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए मैंने, तो एनर्जी थोड़ी सी ना डाउन लग रही है, तो अभी चाय बनाई ना, सोच रही हूँ कुछ पीनट्स वगैरह कर लेती हूँ रोस्ट, तो वो खा लेती हूँ। चाय तो बन गई है, खैर चाय दे देते हैं हस्बैंड को, तो मैं कर लेती हूँ अपने लिए पीनट्स को रोस्ट, फिर वो खाते हैं। जीनू मैडम सो रही हैं, जीनू उठी नहीं है आज, जीनू बहुत लेट सोई है, बहुत ड्रामे दिखा रही थी वो, अब जाके सोई है। लो यार चाय देखो। और अब हो गया खाने का टाइम, तो वही जैसे कि मैं बनाती हूँ, पहले व्रत वाला बना रही हूँ, तो आज समा के चावल की खिचड़ी बना रही हूँ, और कूटू का आटा खा खा के ना बोर हो गए हैं, तो मैंने कहा खिचड़ी डाल दी तो फटाफट से बन भी जाती है, एकदम रेडी हो जाती है समा के चावल की। तो वही मैंने आलू काट लिए, धो लिए एक साथ समा के चावल, आलू सब कुछ मैंने काट लिए, हरी मिर्च धनिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तो फटाफट बन जाती है। और बस यहाँ मैंने छौंक दिया, डाल दिया पानी, क्योंकि पानी ज़्यादा सोखते हैं चावल, तो ये बन के हो गई रेडी। तो यार रात के खाने पीने से हो गए हैं फ्री, ये क्या चल रहा है? ये देखो दोनों बाप बेटी चिप्स खा रहे हैं। क्या खा रहे हो जीनू? क्या है ये? खा लो सब लोग। अच्छा है, टेस्टी है। और आप ये क्या खोल के बैठ जाते हो सब रात में? ये जीनू का डेली का रूटीन है, गाड़ी को ऐसा गिरा के घर से बनाती है, पता नहीं क्या करती है, और उसमें जीनू अंडर रख रखे हैं पैसे। जीनू पैसे है ना उसमें, ओपन करके दिखाना। ये देखो भाई क्या क्या रख रखा है इसने। और ये पैसे ना इसने तीन चार दिन हो गए ना, तीन चार दिन से संभाल के रखे, ऐसे ही रखे हुए संभाल के, और डेली खोल के बैठ जाती है, इसमें पैसे रखती है, कभी उसमें रखती है, यही काम करती है। वेरी टेस्टी टेस्टी है। जीनू को अच्छे लगते हैं? पापा को अच्छे लगते हैं। पापा को, हाँ सही कह रही है, पापा ही लेके आते हैं। पापा ही बिगाड़ रहे हैं जीनू आपको। आपको अच्छे नहीं लगते तो फिर? पापा को ज्यादा अच्छे लगते हैं ना जीनू? ये है चटोरे इंसान, कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं मुंह में, और ऐसी बना दिया लड़की को, सीखो कुछ मुझसे, व्रत रह रही हूँ मैं। सिर्फ 9 दिन की नौटंकी है, उसके बाद सब दुनिया जानती है कौन भुक्कड़ है। हाँ खाती तो हूँ, पर मैं रह तो सकती हूँ, तुम नहीं रह सकते व्रत। मैं कल रहूंगा ना? हाँ तो कल रहोगे ना, कल लास्ट है तुम्हारा, तभी तो आज खा रहा हूँ। जीनू भी व्रत रहेगा कल, है ना? जीनू ने फर्स्ट वाला व्रत भी रखा था, है ना? तो आपको 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए। उसे क्या पता प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन समझा रहे। तो यार कल है आखिरी नवरात्रा, परसों फिर कन्या खिलाएंगे, और आपसे मिलते हैं फिर कल। और हाँ कल ना घर में कीर्तन भी है, तो कल आपको दिखाएंगे कीर्तन,
क्या हुआ? अच्छा है, अच्छा टेस्टी है। हाँ हाँ, चिप्स भी बढ़िया है। खाओ आप, खाओ। हाँ जूस, जूस नहीं है, शेक है, मिल्क शेक। कौन सा, कौन से फ्लेवर का है? खाओ। नहीं नहीं, कौन सा है ये, कौन सा जूस वो है, मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी? पी लो, लो पी लो, लो बहू पी लो। ऐड आती थी ना, लो बहू पी लो। तो यार चलिए, आपसे मिलते हैं कल दोबारा किसी नए व्लॉग के साथ। कल कीर्तन का व्लॉग दिखाएंगे आपको, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जीनू बाय कर रही है, पहले से खुश रहिए। बाय, टेक केयर, जय माता दी, मैं जय माता दी।